Good morning class, I am your social science teacher. Students, today we are studying about chapter 17 different occupation. आज हम लोग chapter 17 पढ़ेंगे different occupation में. And what we learn about in this chapter, meaning of occupation and second different occupation. आज हम लोग occupation की meaning पढ़ेंगे और कौन कौन से occupation होते हैं. My first topic is what is an occupation. First of all, I read it then explain it. Humans have three basic needs: food, clothing and shelter. Human के तीन basic needs होते हैं. कौन कौन से food होते हैं, clothing होते हैं and shelter. To fulfill these basic needs, इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए human को money की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. To earn money, human needs to work. Any work done to earn money is known as occupation. People practice different type of occupation. It means human के तीन basic needs होते हैं, food, clothing and shelter. इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए human को money कमाने के लिए means पैसों की बहुत ही आवश्यकता होती है. Human को पैसे कमाने के लिए किए गए किसी भी work को पूरा करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे, occupation. Means हमको ऑक्यूपेशन मीन्स काम करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट मेरा डिफरेंट ऑक्यूपेशन. पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन. पीपल अपने स्किल के मीन्स अपने बेसिस पे चूज करते हैं कि उनका कौन सा ऑक्यूपेशन है. अपने एजुकेशन के लेवल पे या जिस हिसाब से वो जो स्टडी करते हैं उस लेवल पे वो अपने ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन who wants to be a doctor will go to a medical college to learn medicine. Means जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो मेडिकल की तैयारी करता है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ता है तो वो डॉक्टर बनता है. तो वैसे ही अलग अलग एजुकेशन जो जो करते हैं वो अलग अलग ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वो अपने अपने वर्क को चूज करते हैं. In India, numerous occupation are practiced by the people. Let us explore some of them in detail. अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वो यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट मेरा क्या है, फार्मिंग. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन इंडिया, स्पेशली ऑफ दोज हु लिव इन विलेजेस. फार्मिंग इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप, सेकेंड रियरिंग एनिमल्स टू अर्न मनी. फार्मिंग उन लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है जो इंडिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं. उनकी खासियत यह है कि वो फसल को उगाते हैं, मीन जो क्रॉप्स होते हैं उनको उगाते हैं. और उनको उगाने के लिए दो तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है. फर्स्ट मेरा क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, मीन्स फसल को वो उगाते हैं. सेकेंड, रेयरिंग एनिमल्स टू अर्न मनी, मीन्स जानवरों का पालन पोषण करना और उनसे पैसे कमाना. इंडियन फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सच एज वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, जूट एंड कॉटन. डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, जूट एंड कॉटन. फार्मर रिक्वायर फर्टाइल सॉइल, सुटेबल क्लाइमेट एंड अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स. फार्मर्स फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी, क्लाइमेट मीन्स जलवायु और प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स मीन्स स्वस्थ फसलों को उगाने के लिए उचित आपूर्ति की आवश्यकता होती है, मीन्स उचित मात्रा में पानी की जरूरत होती है. दे अर्न मनी बाई सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट. इन मैनी एरियाज पीपल रेयर एनिमल्स ऑन देयर फार्म सो अर्न मनी. वे बाजार में अपनी फसल को बेच कर पैसा कमाते. कई लोग पैसा कमाने के लिए अपने खेतों पर जानवरों को पालते हैं और उनके थ्रू वो काम करवाते हैं जिनसे उन्हें अर्न मनी मीन्स पैसा मिलता है. काउ, बफेलो एंड गोट्स आर कैप्ट फॉर मिल्क. काउ, बफेलो और गोट्स इन सबसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. फार्मर सेल मिल्क टू अर्न मनी. और फार्मर उन्हें क्या करते हैं, सेल करते हैं और उनसे वो पैसे को कमाते हैं. दिस प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड एज डेयरी फार्मिंग. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग. शिप आर केप्ट फॉर वूल. शिप को ऊन के लिए रखा जाता है.
दे आर मेनली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज, जिसे वे मुख्य रूप से सूखे और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. मैनी फार्मर्स सेट अप पोल्ट्री फार्मर्स टू गेट रेगुलरली सप्लाई ऑफ एग एंड मीट फॉर हैंड डग्स एक्सेट्रा. कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, जैसे एग, मीट, ये सबसे हमें किससे मिलते हैं, हैंड से, डग से, इन सबसे हमको ये सब चीज़ मिलती हैं, जिसे वो लोग सप्लाई करते हैं और उनसे उनको अर्न मनी मिलती है. तो ऐसे फार्म को क्या हम लोग बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मर. पोल्ट्री फार्म में कौन कौन से आते हैं, हैन आते हैं, डक आते हैं, जिससे हमको एग और मीट मिलता है. नेक्स्ट मेरा है फिशिंग. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. दोज हु कैच फिश फॉर मनी आर कॉल्ड फिशरमैन. मछली पकड़ना कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है. जो पैसे के लिए मछली पकड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिशर मैन. प्लेसेस वेयर फिश आर ब्रेड एंड मल्टीप्लाइड फॉर सेल आर कॉल्ड फिश फार्म्स. वी गेट फिश ऑयल फ्रॉम फिश. इट इज़ यूज्ड इन मैनी मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट. मीन्स जहाँ फिश बेची जाती है और बिक्री के लिए कई गुना बढ़ जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फिश फार्म्स कहते हैं. इसका प्रोडक्ट मीन्स इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, जैसे मेडिसिन बनाने में या अदर प्रोडक्ट, बहुत चीज़ में इसका यूज़ होता है. और इसका वी गेट फिश ऑयल फ्रॉम फिश, मीन्स फिश से हमें तेल भी मिलता है और इससे काफ़ी मेडिसिन भी बनती है और अदर प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है. माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. पृथ्वी की सतह के अंदर गहरे खनिजों को निकालने या बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग. सम ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड अल्मोनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स. मीन्स इन मेटल से आयरन, गोल्ड, अल्मोनियम जैसे कुछ धातुएं जो होती हैं वो निकलती हैं. मेटल्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स सच एज कार, ट्रक, रेलवे, coaches, bicycle, utensils, jewelry and even a sewing needle. Crude oil is another important mineral. Petrol and diesel are product of this crude oil. Metal used कई चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे car, truck, railway coach, utensils, cycle, jewelry, etc. Petrol and diesel product of this crude oil. Occupations in city. In cities and town, most of the people work in factories, office, showroom, etc. Means cities or town में अधिकतर लोग कारखानों के कार्यालय के में showroom में काम करते हैं. Some people have their own shop or business. कुछ लोगों की अपनी खुद की shop होती है और खुद का business होता है. People also work as doctor, teacher, actor, lawyer, singer, etc. कुछ पीपल होते, कुछ लॉयर होते, कुछ डॉक्टर होते, कुछ एक्टर होते, कुछ सिंगर होते, सबका अलग अलग अपना अपना ऑक्यूपेशन होता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर 17 डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में समझ में आया होगा कि ऑक्यूपेशन क्या होते हैं और उनके कौन कौन से डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं और इसमें कौन कौन से हमारे फार्मिंग होते हैं.